नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी बढ़िया होंगे। गाइज एंड आज के इस वीडियो और में मैं रियलमी बड्स क्लासिक का रिव्यू लेकर के आया हूँ। एंड जैसा कि गाइज आप डिब्बे पर देख सकते हो, मैंने इसको 2/7/2021 के अंदर परचेस किया हुआ था। एंड आज 2 अगस्त है और आज के दिन मैं इसकी वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ एंड बना रहा हूँ गाइज। सो मेरे को पूरे 1 महीने हो चुके हैं इसको यूज करते हुए गाइज, जिसकी वजह से मैं आपको इसका फुल और एक क्लियर रिव्यू दे सकता हूँ, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड ऐसी क्या खासियत है इसके अंदर गाइज, जिसकी वजह से आपको 2021 में भी आप इस ईयरफोन के साथ चाह सकते हो। सो गाइज, जो लोग या जो भी लड़कियां हाफ इन ईयर ईयरफोन का यूज करती हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड वाली चीज़ है गाइज, क्योंकि जितनी भी अभी इस टाइप की ईयरफोन है, मतलब हाफ इन ईयर ईयरफोन है गाइज, वो अंडर 500 के अंदर इससे बढ़िया आपको देखने को नहीं मिलने वाली गाइज। क्योंकि मैंने बहुत से ईयरफोन यूज़ किए हैं आज के पहले, मैं बहुत पहले बहुत सारे ईयरफोन यूज़ किया हूँ, लेकिन इसके जैसे बिग ड्राइवर अंडर 500 में मुझे कहीं भी देखने को नहीं मिला गाइज। सो यही एक इसका बिग रीजन है जिसकी वजह से आप इसके साथ जा सकते हो। एंड इसकी वजह से आपको जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की देखने को मिलेगी। एंड इसके जो बेस है वो तो बिल्कुल लाजवाब का होने वाला है, मतलब आप दोनों ईयरफोन जब यूज करोगे ना तो लगेगा कि आप डीजे सुन रहे हो गाइज। एंड ये तो सब एक छोटी मोटी चीज़ हो गई। अगर बात करें इसके माइक की, तो इसमें हमें आप HD माइक देखने को मिलता है, जो कि शायद किसी और ईयरफोन के अंदर नहीं मिलता। एंड ये बेटर नॉइज कैंसिलेशन कर सकती है गाइज। एंड इसकी जो केबल है, अगर केबल की बात करूँ तो केबल बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, वायर बहुत अच्छे क्वालिटी का बना हुआ है गाइज। लेकिन ये इसमें जैसा कि लिखा हुआ है कि एक टेंगल फ्री केबल है, सो ये टेंगल फ्री पूरी तरह से नहीं है। जो इसके आगे के हिस्से हैं वो फंस जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसे मैंने जानबूझ के नहीं फंसाया है, लेकिन इसके बचाने के उपाय भी इसमें दिया हुआ है, जैसा कि आप ये क्या है, पीला पीला जो भी है, आप इसके साथ अपने ईयरफोन को गोल मटोल करके लॉक कर सकते हो, जिसकी वजह से आप इसको कैसे भी रखो फंसेगी नहीं गाइज। एंड ये जब आप इसको खोलना है तो सिंपल से एक क्लिप हटा लो और कान पे लगा लो, बस आपको पूरा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। एंड गाइज, ये जो वॉइस आप सुन रहे हो, जिसके अंदर से रिकॉर्ड हो रही है, इस ईयरफोन के माइक से रिकॉर्ड हो रही है गाइज, जिसके अंदर HD माइक का यूज किया गया है। और मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 14.2 mm का एक लार्ज ड्राइवर है। एंड इसमें जो है एक ही बटन देखने को मिलती है, जो कि कॉल को रिसीव और कट कर सकती है गाइज। एंड इसके अंदर कुछ खूबियाँ जैसे कि म्यूजिक एंड वीडियो प्लेबैक कंट्रोल कर सकते हो आप इसके अंदर। एंड ये जो बिल्ट इन केबल ऑर्गेनाइजर है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आप अच्छे से केबल को रख सकते हो, बांध सकते हो। एंड गाइज, इसके अंदर जो बास है ना वो बहुत ही डीपर है। एंड जो भी बंदे गेमिंग के लिए इसको परचेस करना चाहते हैं, मैं मेन पॉइंट पर आता हूँ, मैं गेमिंग भी करता हूँ एंड मैं वॉइस ओवर भी करता हूँ, मैं इस ईयरफोन का पूरा यूज करता हूँ। सो गाइज, गेमिंग में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। बहुत से मैंने यूट्यूबर्स देखे हैं, रिव्यू उन लोगों ने किया था, बोला था गेमिंग के लिए इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, कुछ वॉइस जो है सही से नहीं आती है। सो गाइज, मैं बता दूँ कि इसके अंदर बहुत ही तगड़ी वॉइस आती है। एंड जो गाड़ी की आवाज़ है ना, अगर आपका मोबाइल HD सपोर्ट करता है एंड आपने HD रिसोर्स पैक, जो साउंड रिसोर्स पैक है ना, वो अगर आपने डाउनलोड कर रखे हैं ना गाइज, तो कसम से मज़ा आ जाने वाली है, एक अलग ही टाइप का नशा चलेगा। और WM की आवाज़ सुन के वाह वाह बल्ले बल्ले हो जाता है दिल, कसम से मुझे तो बहुत मज़ा आता है। गेमिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल OP है, मैं इसको 10 में 10 दे रहा हूँ गाइज। एंड अगर आप हाफ इन ईयर ईयरफोन का यूज नहीं करते हो, इन ईयर ईयरफोन का यूज करते हो, तो आप बिल्कुल इसके साथ नहीं जाइए, क्योंकि आप किसी और ईयरफोन के साथ जा सकते हो, जैसे कि रियल मी बड्स 2 हो गया, MI की काफ़ी सारी ईयरफोन आती हैं, आप उनके साथ चले जाइए, क्योंकि वो उनका साउंड एक्सपीरियंस इससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन कुछ लोगों को वो ईयरफोन पसंद नहीं होती, क्योंकि उनको लगाने के बाद बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, कौन मर रहा है, कौन चिल्ला रहा है, वो कुछ मतलब नहीं रखता, कनेक्शन कट जाता है, जिसकी वजह से कुछ मेरे जैसे बंदे इस ईयरफोन को लेना पसंद कर। सो गाइज, ओवरऑल अगर मैं इसे एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी गाइज अंडर 500 में। एंड इसके पहले मैंने एप्पल की जो ईयरफोन होती हैं वो मैंने यूज कर रखी हैं वायर्ड वाली, वो मुझे उसके बाद शायद ये दूसरी ईयरफोन है जो मुझे पसंद आई है, क्योंकि इसके बाद मैंने सैमसंग की और जो मिलती हैं 300 मैंने काफ़ी ज़्यादा परचेस की, मैंने बहुत सारी ईयरफोन यूज की, मुझे कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर पाई, ये दूसरी ईयरफोन है जो मुझे सेटिस्फाई कर रही है। सो अगर आप अंडर 500 के अंदर कोई भी ईयरफोन परचेस करना चाहते हो तो आप जा सकते हो। इसका प्राइस है 439 में मुझको मिली थी, एंड इसका प्राइस जो है अप डाउन होता रहता है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अमेजन की, आप वहाँ से जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। एंड अगर आप इसको परचेस कर रहे हैं तो गाइज प्लीज़ वहीं से परचेस करिएगा, इससे कुछ मेरा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि वो मेरी एफिलिएट लिंक है। एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर। सो प्लीज सब सबर कर सर कबर सबर कराए सर
सारा कप वाटर जप्पा रख सारा पकड़ा सारा पकड़ा सारा पक्का You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I want.